अस्सलामुअलैकुम वस वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूमा खान। आज मैं आप लोग के लिए दही वड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन के दही वड़े हमारे तैयार हुए थे। आप लोग भी ट्राई करके देखें। रमज़ान स्पेशल है, अफ्तारी के टाइम दही वड़ा बनाएं और रमज़ान का मौसम है, थोड़ा सा गर्मी में ठंडा ठंडा कुछ खाने को अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करके देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कुक विद रूमा खान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली है, जो सफ़ेद वाली दाल है उसे मैंने पूरी रात भिगा के रख दिया था। आप ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं, पाँच से छः घंटा या चार घंटा भी भिगा सकते हैं। उसे धो के साफ़ कर लेंगे। अब मैं ये दाल को पीस लूँगी। दही बड़े की मैंने इससे पहले भी मेरे चैनल पे दही बड़े की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब मैं दाल को पीस के सारी दाल को पीस लूँगी, उसके बाद आगे का मैं आपको बताती हूँ। मैंने सारी दाल को अच्छे से पीस लिया और दाल को एकदम स्मूथली पीसना है हमें, एकदम बारीक यानी मतलब जाड़ी नहीं, हमें दरदरी सी नहीं रखना है, एकदम स्मूथ पीसना है। और इसे अब हम फेटेंगे अच्छे से। दाल की आप जितनी अच्छी फटाई करेंगे आपके दही वड़े उतने सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। मैं इसे कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छे से फेटी हूँ और एकदम फ्लफी बन गया है ये फेटकर, आप देख सकते हैं। दाल को मैंने इतना अच्छा फेटा है कि वो एकदम फ्लफी हो गई है और दाल की क्वांटिटी भी अच्छी थोड़ा बढ़ जाती है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्याले में पानी लिए और उसमें मैं अपना बैटर डाल के देखूँगी। आप देख सकते हैं ये बैटर हमारा एकदम पानी के ऊपर ही है, ये नीचे नहीं बैठा है। ये हमारी दाल एकदम परफेक्ट फेट के तैयार हुई है। मैंने इसे थोड़ी देर ढक के रख दिया था। ढक के रखने के बाद आप देख सकते हैं ये दाल थोड़ा सा और अच्छा सा उसमें फ्लफीपन आ गया है, अच्छा सा हो गया है। अब मैं हल्का सा नमक ऐड करूँगी, ऑप्शनल है, बहुत से लोग डालते हैं बहुत से लोग नहीं डालते, हम लोग डालते हैं यहाँ पे। और इसी स्टेज पे बहुत से लोग सोडा भी ऐड करते हैं खाने का, लेकिन मुझे सोडा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दाल को हमने इतना अच्छा फेट लिया है। फिर मैं थोड़ी सी इसकी 5 मिनट के लिए फिटाई कर लूँगी अच्छे से इसकी। अब ये दाल हमारी एकदम परफेक्ट रेडी है। अब हम इसके वड़े बना लेते हैं यानी दही वड़े फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म करने के लिए यहाँ पर रख दिया है मैंने। फिर मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से इसमें वड़े बना लूँगी। आप इसे हाथों की मदद से भी बना सकते हैं और लेकिन चम्मच से बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा बड़े बड़े शेप में मुझे बनाना था तो इसलिए मैंने स्पून की मदद से बनाया। आप देख सकते हैं अच्छे माशाल्लाह एकदम फूल के ये हमारे वड़े फ्राई करने के टाइम ही ये माशाल्लाह अच्छे से फूल गए थे। एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे हम इसे, मीडियम टू लो पे ही रखेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए इसमें। लाइट गोल्डन चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। अब इसका हम एक एक करके साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छा सा कलर आने तक के फ्राई करेंगे। ये लाइट गोल्डन हो गया, एकदम अच्छा सा प्यारा सा कलर आया एक साइड से। अब इसे हमें दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं बड़े माशाल्लाह फ्राई करते टाइम ही इतने अच्छे फूले फूले से हो गए थे। दाल को आप जितना अच्छा फेटेंगे आपके वड़े उतने सॉफ्ट बनके तैयार होंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं बनेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना हमारे वड़े दही में जाने के बाद एकदम अंदर से हार्ड हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी दाल अगर अच्छे से फिटी हुई होगी तो आपके वड़े दही में डालने के बाद या आप दूसरे दिन भी खाएँ नहीं रख कर तो भी एकदम सॉफ्ट ही बन के तैयार होते हैं। अब ये मैंने उसका साइड चेंज करके उलट पलट करके इसे अच्छे से फ्राई किया है। बस लाइट गोल्डन ही करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं इसे फ्राई करेंगे। इस तरीके का कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा है इसका। अब इसे मैं निकाल लूँगी। ये वड़े हमारे फ्राई हो गए अच्छे से, बस अब हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। और इसे निकाल कर हम थोड़ी देर थोड़ा सा प्लेट में निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का ठंडा करेंगे, फिर इसे हम पानी में डिप करके रखेंगे। ये हमारे बड़े बन के रेडी होंगे। बाकी के जो भी हैं मैं इसी तरीके का फ्राई करके निकाल लूँगी। सारे बड़े मैं इसी तरीके से फ्राई करूँगी और इसे थोड़ी देर ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं हम ठंडा करेंगे, थोड़ी देर। उसके बाद मैंने इसे पानी में सारे बड़ों को डाल के रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे क्योंकि बड़े जब पानी में डालते हैं तो अक्सर वो ऊपर उठ के आ जाते हैं, अंदर डिप नहीं होता है पानी के अंदर। तो इसके ऊपर आप वज़न कोई भी प्लेट वगैरह ऐसा रखें कि वो थोड़ी देर पानी के अंदर डीप हो जाए। मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख रही हूँ थोड़ी सी वज़न टाइप में, थोड़ी देर के लिए मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से।
ताकि हमारे वड़े पानी के अंदर थोड़ी देर डिप रहें। और ये थोड़ी देर पानी में हम इसलिए भिगाते हैं ताकि ये अच्छे सॉफ़्ट बने, और जब हम दही में डालते हैं तो और ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाते हैं ये। इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट के लिए इसे पानी में डिप करके रखा है, और फिर हल्के हाथों से इसका पानी एक्स्ट्रा सब निकाल लेंगे। और ये इतने नरम हो गए थे कि अगर ज़ोर से इसे प्रेस कर दें तो सारे वड़े फूट सकते थे, तो इसलिए हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा सारा पानी इसका निकाल लेंगे, और इसे हमें अपने सर्विंग डिश में ऐड कर लेंगे। उसमें आप कोई भी चीज़ में जिसमें भी आपको सर्व करना है या रखना है उसमें सब निकाल लें। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दही ऐड कर देंगे। दही को शक्कर डाल के थोड़ा फेंट लेंगे, दही को थोड़ा मीठा करते हैं तो इसलिए थोड़ी शक्कर डालेंगे और उसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर इसके ऊपर हम दही ऐड कर देंगे, अच्छे से दही को डाल देंगे। दही से पूरे वड़े को हमें कोट करना है, सारे ही वड़े को अच्छे से कोटिंग कर देंगे दही से, ताकि ये डिप हो जाए उसके अंदर। मैंने एक लेयर और लगा दी थी इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर फिर और दही डाल देंगे, और इसे हम इस तरीके से डाल के फ्रिज में रख के खाते हैं तो और ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार लगता है ये दही वड़ा। और आपने देखा होगा अक्सर दही वड़े थोड़ा सा बड़े किस्म के बनते हैं, यूपी साइड में तो अच्छे दही बड़े बड़े बोले जाते हैं, तो थोड़ा बड़े किस्म के बनते हैं। अब इसके ऊपर मैं इमली की चटनी थोड़ी ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे खाली इमली की चटनी ऐड करी है, बहुत से ग्रीन चटनी भी ऐड करते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे। दही वड़ी का मसाला आता है, आप उसे घर पे भी बना सकते हैं, रेडीमेड भी आता है, उसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर नहीं है तो आप चाट मसाला थोड़ा डाल दें, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दें, तो भी ये हमारे दही वड़े एक नंबर बन के तैयार होते हैं। थोड़ी सी मैंने रेड चिल्ली पाउडर ये इसके ऊपर छिड़क दी है, इससे क्या होता है कि कलर देखने में भी अच्छा लगता है हमारा दही वड़ा। अब ये हमारा दही वड़ा बन के तैयार हो गया है। दही बड़े बड़े यानी मतलब बड़े बड़े से बन के तैयार होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करें, मुश्किल से 2-4 कमेंट आते हैं। व्यूज माशाल्लाह अच्छे रहते हैं लेकिन कमेंट नहीं रहते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें, तो इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग से फिर ये होता है कि और वीडियो बनाएं, अच्छी अच्छी आपसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।